वेलकम टू कुक विद चेतना। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले के वेफर। तो उसके लिए मैंने कच्चे केले पहले धो के साफ कर लिए हैं, फिर उसके इस हाथ को पहले मैंने ऑयल लगा दिया, नहीं तो उसका चिकट वो लग जाता है हाथ को। फिर अपन ये ऊपर का छिलका हटा देंगे इस तरह से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले। कढ़ाई में हमने ये तेल गरम करने को रख दिया है। बस इस तरह से निकालते जाएंगे, करते जाएंगे काम। चलो एक बनाना चिप्स बनाने की जो खिसनी रहती है उसे हम चिप्स बनाएंगे, वो भी डायरेक्ट तेल जब गर्म हो जाएगा ना तब उसी में हम डायरेक्ट छोड़ने का। संभल के हाथ ना कटे क्योंकि ज्यादा धार रहता है। और इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे जब तक एक कटोरे में मैंने इतना चम्मच भर के नमक लिया है उसमें हम पानी डालेंगे, और ये नमक का पानी का घोल तैयार करके रखेंगे। इसे कब यूज करना है अब आगे देखिए। दूसरी साइड से भी कड़क होने के लिए पलटेंगे। गैस थोड़ा फास्ट ही रखेंगे और तेल थोड़ा ज्यादा ही ले ताकि वो अच्छे से उसमें घुल मिल सकते हैं। अब ये थोड़े कड़क होने को आ गए हैं, तब हम इसमें ये जो नमक का पानी है वो डालते समय आप जरा दूर रहिएगा, देखिए कैसे होगा। दो चम्मच डालेंगे, ऐसा तेल आपके ऊपर उड़ भी सकता है, इसके लिए थोड़ा दूर ही रहे। जब तक ये आपका आवाज बनना हो तब तक हम वेफर बाहर ना निकालें, वरना वो फिर जल्दी से नरम पड़ जाएगा। देखिए अब ये आवाज बंद हो गया है ना, इसका मतलब इसमें अब पानी नहीं है, तो अब आप इस वेफर को निकाल सकते हैं, कड़क भी हो गए हैं। अब हम ये वेफर रेडी हो चुके हैं, मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए एकदम क्रंची और यम्मी मस्त और सॉल्टेड भी रेडी है। कितने हेल्दी और बनाना चिप्स, केले के बनाना चिप्स। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।